नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं चंदन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप देख रहे हैं आर चंदन जीवन। दोस्तों यहां मैं लेकर आते रहता हूं खेती बाड़ी से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी और साथ ही अपने जीवन के कुछ अनोखे पल। दोस्तों आज जो है इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग आखिरी सांस तक जो है पौधों की सेवा करते हैं और उससे जो भी फल होता है उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि मैं अपने नेनुए के खेत में हूँ, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जेंस फिंगर भी कहते हैं और हमारे यहाँ लोकल भाषा में इसको जो है घिउड़ा कहा जाता है बिहार में। तो इसके पहले ऑलरेडी आपको जो कई वीडियो में मैंने बताया हुआ होगा कि यहाँ पर जो है वो मेरा फार्म है, वहाँ के बाद जो है यहाँ पे बैंगन की खेती की हुई है मैंने और यहाँ पर जो है ये नेनुआ लगाया हुआ था। हालांकि नेनुआ का जो है काफ़ी अच्छा पैदावार रहा और ये जो है अब मतलब एक्सपायर हो गया, बुढ़ा हो गया है, ख़त्म हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे जो इसकी पूरी लत्ती जो है सूख रही हैं, इसका जो भी मतलब पत्ता है या जो फसल है वह जो है अब काफ़ी मतलब इसका उत्पादन जो है कम हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटे किसान है मेरे साथ, ये बगल में जो आप देख रहे हैं ये जो पाझा लगा हुआ है ये इन्हीं का खेत है और उसमें भी जो है करेला लगाया था इन्होंने और वो जो है करेला ये जो है करेला भी इनका हो गया है अब बूढ़ा और लास्ट एक बीट और टूटने वाला है, उसके बाद इनका भी जो है इसको भी हम लोग उजाड़ देंगे और फिर इसमें दूसरा खेती किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है देखिए किस तरह से पूरा पौधा जो है वो पीला पीला हो गया है और यहाँ पर जो है इसका लतिया जो है पूरी तरह से सूख गई है। फिलहाल यहाँ पर हमारा जो है ये घिउड़ा है और इसको जो है हम आज इसको भी जा रहे हैं जोतवाने के लिए। तो यहाँ पर जो है कुछ आप देख सकते हैं कि जो है हमने मरचा का पौधा भी लगाया हुआ था बीच बीच में, जैसे आप देख सकते हैं, आपको बता दें यहाँ देख लीजिए जैसे आप। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए ये मरचा है ये इस तरह से। अब ये जो है इसी में मिश्रित खेती, चूँकि जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले कई वीडियो में भी बताया हुआ होगा कि हमारे यहाँ जो है और ख़ास करके हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि मिश्रित खेती करने का, उससे फ़ायदा यह होता है कि एक ही जगह पे जो है एक ही खेत में जो है कई तरह के जो है आम पैदावार जो है उपजा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ था कि मैंने जो बैंगन लगाया है बैंगन के बीच में मैंने जो है धनिया भी बोया था और धनिया जो है काफ़ी अच्छा मतलब रहा और उसके बाद बैंगन में थोड़ा सा हम लोग के पास समय का कमी हुआ जिसकी वजह से जो है हम लोग ध्यान नहीं दे पाए और बैंगन जो है मेरा कुछ कुछ पौधे जो है वो सूख गए बीच बीच में। तब वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है तो चलिए मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो है बैंगन वो सूख चुका है बीच बीच में, जैसे आप देख लीजिए ये जो है आपका जैसे देखिए यहाँ पर सूख गया है, यहाँ पर सूख गया है, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी है फिर यहाँ पर सूखा हुआ है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूखा हुआ है इस तरफ। तो ये जो है थोड़ा कीड़े होते हैं जो काट देते हैं और इनका जो है मतलब जो नए वाला पार्ट होता है जैसे ये आप देख सकते हैं, तो ये जो है ये जैसे ही कट जाता है यहाँ से ये कट करके गिर जाते हैं, कीड़ा जो है काट देता है तो उसके बाद ये पौधों का जो है ग्रोथ ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे करके सूख जाते हैं। तो यहाँ पे जगह खाली हो जाती है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोग लगा देते हैं जैसे कोई भी चीज़ होता है इसके साथ जो फलने वाला हो, जैसे मरचा हम लोग लगा देते हैं। अभी इस साल जो है मैंने क्या किया है कि मैंने बोरी लगा दिया है, जैसे यहाँ पर आप आइएगा तो यहाँ पर जो है सेम और बोड़ी कुछ कुछ फेंट करके जो है हम लोग ने यहाँ पर लगा हुआ है ताकि सब्जी का जो है काम चल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरा सेम है, देखिए यहाँ पर भी आप देखिएगा तो आपको सेम दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे यहाँ पर आइए तो मैंने देखिए यहाँ पर अभी अभी जो है लगाया है यह मरचा, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें जो है फल पकड़ा हुआ है। तो अब इसको जो है मान लीजिए फेंक देना तो अच्छी बात है नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग जो है इसको क्या करते हैं मिट्टी सहित इसको काट लेते हैं और फिर यहाँ पर ला करके जो है रिप्लेस कर देते हैं। इससे जो है ये सूखते नहीं हैं और इनका जो है मतलब जो भी मतलब प्रोसेस होता है इनका कंटिन्यू चलता रहता है और ये जो है हमें मतलब फल देते रहते हैं। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरे खेत में यहाँ पर जो है जितने भी घिउड़ा में मरचा हैं जो मतलब अच्छे स्थिति में है, कुछ मरचे जो हैं वो बुरे स्थिति में हैं, जैसे उनमें जो है कीड़ा लग गया है, कुछ में बीमारी हो गया है। तो बीमारी जब हो जाता है तो मरचा जो है वो इसको हम लोग भोजपुरी के भाषा में बोलते हैं बचिया जाना। तो उसमें क्या होता है कि फसल जो है मतलब जैसे मरचा फलता नहीं है और उसका पत्ता जो है वो पूरा छोटा छोटा हो जाता है और मतलब सिकुड़ जाता है।
तो उसको जो है हम लोग फेंक देंगे, और बाकी जितनी लतिया वगैरह है जो भी घेवड़े के हैं वो सारे के सारे को जो है ट्रैक्टर से जुतवा करके और कोशिश करेंगे कि उसको निकाल कर खेत से बाहर रख दें, और बाद में जब वो सूख जाएगा तो फिर उसको जला दिया जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप भी चाहें तो अपने घर पर भी जो है आप छोटे से पॉट में या छोटे से किसी बर्तन में, या अगर आप गांव में रहते हैं तो घर के आसपास अगर कोई जगह है तो वहां पर भी जो है आप घरेलू मतलब जो भी हम लोग साग सब्जी में जो यूज करते हैं सूखा मर्चा, उसको भी तोड़ करके उसका बीज निकाल करके दो चार पाँच दिन के लिए गीले ज़मीन पर छींट दीजिएगा तो वो भी जो है वहां पर अंकुरित होकर के जो है पौधा का रूप ले लेगा। अब उसको अगर आप अपने घर के आसपास लगा देते हैं तो आपको जो है हरा मर्चा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अगर खाने में हरा मर्चा पसंद करते हैं जैसे सलाद में या इस तरह से अगर आपको हरा मर्चा खाना पसंद है तो आप जो है उसका जो है लाभ उठा सकते हैं। और ये जो है एक मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट है, आपको कहीं ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई किसी तरह का कोई जो है खर्चा नहीं आता है। और मेरे घर पर अगर मैं आपको दिखाता, अभी तो वीडियो बना यहाँ पर हूँ, तो घर पर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह का पौधे जो है हमेशा लगा कर रखते हैं, जैसे छोटे छोटे जितने पौधे हैं धनिया में हमेशा कहीं ना कहीं घर के आसपास गिरा देता हूँ, और वो जो है जैसे अभी धनिया का समय है तो वो जमते रहते हैं। अब चूंकि मान लीजिए यहाँ पर इतने सारे धनिया हैं लेकिन यहाँ से मेरा घर 1 किलोमीटर पड़ता है, तो अब उस समय सब्जी अगर बनती है और सब्जी में धनिया अचानक से डालने का अगर विचार आता है तो फिर 1 किलोमीटर आए और धनिया तोड़ के फिर 1 किलोमीटर जाना थोड़ा सा मतलब आलस लगता है। तो इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं घर के आसपास इस तरह का कुछ व्यवस्था करके रखते हैं, जैसे हरा मर्चा हो गया, धनिया हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमेशा मेरे पास अवेलेबल रहती हैं। जब इन लोगों का सीज़न आता है तब तब हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को रखें। हालाँकि जो खेत में पैदावार होती है तो उसमें से तो जो मंडी जाता ही है, साथ में थोड़ा सा जो है घर के लिए जाता है, और घर के लिए क्या जाता है पूरे गाँव के लोगों के लिए जाता है, और जिनको भी ज़रूरत होता है वो आते हैं मेरे घर से ले करके जाते हैं। तो यही है दोस्तों, इस तरह से आप भी चाहें तो काफ़ी आसानी से जो है अपने घर के आसपास छोटे छोटे पौधे जो है लगा सकते हैं। ये आपको नर्सरी मार्केट में भी मिलता है, 2 रुपये 1 रुपये के पौधे मिलते हैं मर्चा के, तो उसको भी आप ला करके लगा लीजिए, ऑर्गेनिक तरीके से उसका जो है पैदावार लीजिए और उसका जो सेवन कीजिए। आज के डेट में जो है नेचुरली हर एक चीज़ मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूँगा कि प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके नेचुरली प्रोडक्ट का यूज़ कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बार तो और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देश के एक छोटे से भाई को जो है सपोर्ट कीजिए। मैं भी एक किसान हूं और इस देश में किसानों की हालत जो है सबको ही जानता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो प्रोत्साहन है वो इसी तरह से बढ़ता रहे और आगे भी हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे छोटे किसान की तरफ से बोलो बाय 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 बाय।